हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको कुछ ही चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि आपको ग्रीन स्क्रीन की जरूरत होगी। एक तो आपको अगर ग्रीन स्क्रीन बाय करना हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके बाय कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स, आप उसकी जगह एक प्लेन वॉल ले सकते हैं जिसमें कोई भी डिजाइन नहीं बना हो, सिर्फ प्लेन एक पेंट हुआ हो। जैसे फ्रेंड्स ये वॉल है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन वॉल है, किसी भी तरह का डिजाइन नहीं है। आप ऐसे में जैसे में अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता दूंगा कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। उससे पहले आपको प्लेन वॉल की जरूरत होगी, एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जिससे आप क्रोमा की यूज कर सकें। क्रोमा की से ही आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग क्रोमा की यूज करने के लिए फिल्मोरा डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्मोरा एक बहुत ही अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपको वो डाउनलोड ना करना आता हो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका एडिटिंग ट्यूटोरियल भी मैंने बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसकी एडिटिंग भी सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है या फिर चेंज करना है। देखिए ये बैकग्राउंड है, अब मैं आपको इसे चेंज करके दिखा देता हूँ। तो देखिए हम लोग आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि मैं फिल्मोरा यूज कर रहा हूँ इस टाइम पे। अगर आपको कोई और एडिटिंग सॉफ्टवेयर पसंद आए तो आप वो यूज कर सकते हैं। मैं अभी फिल्मोरा यूज करता हूँ और ये बहुत ही कंफर्टेबल सॉफ्टवेयर है, आप इसमें कैसी भी एडिटिंग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। देखिए ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, अभी आपने पहले देख दी, वही वीडियो है जो मैं अभी इसे एडिट करने वाला हूँ। देखिए बैकग्राउंड इरेज की वीडियो है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड इरेज करने के लिए सैंपल कलर लेना होगा। यहाँ पे देखिए सैंपल कलर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए सैंपल कलर ले लिया। आप इसकी जगह कोई और चीज भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट इजी भी दिखाता हूँ। मीडिया में क्लिक किया, इसे कट कर दिया, नो। देन फ्रेंड्स माय एल्बम में क्लिक किया, आप देखिए माय एल्बम में आप कोई भी चीज ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फ्लावर ले लिया। ये फ्लावर लेने के बाद अब मैं इसे अपनी वीडियो को लगाता हूँ नीचे। आप लोगों को याद रखना है, इसे हमने कर दिया, अब इसे हमें ड्रैग करके लाना है खींचते हुए नीचे की तरफ, देखिए, और यहाँ पे फिट कर देना है। ये मल्टी लेयर्स लग जाती हैं इसमें, आप देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन करना है, पहले मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब देखिए ग्रीन स्क्रीन के लिए हमें अपने वीडियो में क्लिक करना है, अब यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लिखा हुआ है इसमें क्लिक कर देना है। ग्रीन स्क्रीन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रोमा की ग्रीन स्क्रीन लिखा हुआ है, यहाँ पे मेक पार्ट, यहाँ पे मेक पार्ट ऑफ क्लिप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है, देखिए क्लिक कर दी, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन पहले ही आ चुका है। अब जैसे मैं इंटेंसिटी लेवल बढ़ाऊंगा, आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड इरेज होता जा रहा है। और ये देखिए थोड़ा बहुत लेवल तक हमारा बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा अगर आप नॉर्मल वॉल का यूज करते हैं, जैसे कि मेरा इतना बैकग्राउंड इरेज हो गया है। और अगर इसी की जगह आप ग्रीन स्क्रीन का यूज करते हैं तो आपका बैकग्राउंड 100% इरेज हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बैकग्राउंड इरेज करने में। जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों, नहीं तो कोई ऐसा बैकग्राउंड चूज कीजिए जो आपके मैच हो जाए कलर में। देखिए जैसे कि मैंने पहले सैंपल कलर ले लिया, देखिए ये सैंपल कलर ले लिया। अब यहाँ पर हमने माई एल्बम में क्लिक करके कोई भी चीज ले ली जो हमारे बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत मैच हो जाए, जैसे कि देखिए ये मैच हो जाएगा इजीली। अब हमें इसे फुल कर देना है स्क्रीन में, देखिए यहाँ पे आप कलर न लगा के कोई वीडियो भी लगा सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टेक वीडियोज लाता रहता हूँ, अर्निंग एप्स के बारे में भी वीडियोज लाता हूँ। और अगर आपको उनके नोटिफिकेशन तुरंत पाने हो तो ऑल में टर्न कर दीजिएगा बेल आइकन को। यहाँ पे आप देखिए ये मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन करने जा रहा हूँ, ग्रीन स्क्रीन में जैसे मैंने क्लिक किया, भाई मेक पार्ट ऑफ दिस क्लिप ट्रांसपेरेंट। अब आप देख लीजिए कहाँ पे हमें क्लिक करना है, जैसे मैं व्हाइट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा थोड़ा फेस इरेज होने लगता है। इस बार मैं थोड़ा डार्क में क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए शेडो आ रही है परछाई, इसमें क्लिक कर दिया। अब मैं थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ, अब देखिए मेरा फेस बिल्कुल इरेज नहीं हो रहा है, ये बस थोड़ा सा कलर रह गया यहाँ पे।
तो मैं थोड़ा और ट्राई कर लेता हूँ। देखिए ये आ गया आप सही। अब आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो प्ले होने लगा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसे एक्सपोर्ट करूंगा, मैं आपको इसे एक्सपोर्ट करके भी दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जैसे कि मैंने ये एक्सपोर्ट कर दिया और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया, क्लिक कर दी, बस कुछ ही सेकंड्स में मैंने क्लिप बहुत छोटी कर दी थी, कुछ ही सेकंड्स में ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक देखिए ये हो गया है कंप्लीट, ये रिमाइंडर आ गया है, अब हमें इसे स्मॉल कर देना है। मैं चलता हूँ यहाँ पर, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने वीडियो का देखिए आप लोग कितना अच्छी तरह से बैकग्राउंड इरेज हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम क्लियरली वैसा ही लग रहा है। बस ग्रीन स्क्रीन का मैंने यूज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे हाथ में कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा है, सही से नहीं इरेज हुआ यहाँ पे शायद, या फिर कोई एरर होगा, ये मुझे लगता है वीडियो बनाते टाइम कोई एरर आया होगा, नहीं तो ये बिल्कुल इजीली इरेज हो जाना चाहिए। नहीं तो फ्रेंड्स आप ग्रीन स्क्रीन का यूज कीजिएगा, वही सबसे अच्छा है। ग्रीन स्क्रीन आपको बाय नहीं करना आता है या फिर आपको पता नहीं है कैसे खरीदे, तो मैंने इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करते हैं 300-400 रुपए का ग्रीन स्क्रीन आता है, वहां से बाय कर सकते हैं इजिली बहुत ही ज्यादा, और ग्रीन स्क्रीन से आपका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छी तरह से रेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।